2000 के नोट के बाद अब 500 और 200 के साथ 100 के नोट पर आई ऑफर। सरकार ने जारी कर दिया अपना नया फैसला, डिजिटल रूप में ही रखे अपने रुपए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ सकता है महंगा खामियाजा। इसलिए अभी हो जाइए सावधान और आज ही जांच लीजिए अपनी जेब में रखे रुपए। 2000 के नोट पर पाबंदी लगने की खबर अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि अचानक अब 500-200 के साथ 100 के नोट को लेकर नई खबर ने सभी को अंदर से झकझोर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कुछ वैसा ही 500-200 के नोट के साथ होने जा रहा है जैसा 2000 नोट के साथ हुआ था। तो खबर ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि आपको बाद में ना पछताना पड़े। दरअसल इस समय क्राइम को लेकर एक नहीं बल्कि कई जगह से खबर मिल रही है कि कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग 500-200 के साथ 100 का नकली नोट बनाकर मार्केट में चला रहे हैं। हालांकि इसमें पुलिस ने कई गैंग को पकड़ने में सफलता भी हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी कई अन्य जगहों पर ऐसे गैंग हैं जो पुलिस की पहुंच से काफी दूर है और ढटले से नकली नोट छाप रहे हैं। बस इसीलिए पुलिस ने इन पर लगाम लगाने के लिए नोटों की पहचान सार्वजनिक कर दी है ताकि आपको इन नोटों से बचाया जा सके। इसलिए आगे की खबर और भी ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी नकली और असली नोटों के बीच पहचान कर पाए। इतना ही नहीं, सरकार ने जनता को इन नकली नोट से बचाने के लिए डिजिटल मुद्रा पर भी काम तेजी से शुरू कर दिया है। इसमें हम पहले आपको समझाएंगे कि आखिरकार 500 के असली और नकली नोटों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं और इसको समझाएंगे कि सरकार किस तरह से डिजिटल मुद्रा लाने जा रही है और ये किस तरह की होगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हम नकली और असली नोट की पहचान कैसे कर सकते हैं। असली नोट में सामने की तरफ बाई और नीचे दी गई हरी पट्टी के थोड़ा ऊपर दो रंग में 500 लिखा रहता है, तो वही इसी के साथ हरी पट्टी पर 500 अंक की लेटेन इमेज ही छपी होती है जिसे नोट को ऊपर की ओर झुकाने पर आराम से देखा जा सकता है। इस नोट पर देवनागरी लिपि में 500 रुपए लिखा होता है। असली नोट पर गांधी के चित्र पर माइक्रो लेटर्स में भारत और इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है। कलर शिफ्ट विंडो वाला सिक्योरिटी ट्रेड नोट को झुकाने पर धागे का रंग हरे से नीला हो जाना भी असली की पहचान कही जाती है। और सबसे खास बात, असली नोट में नोट के ऊपर बाई तरफ और नीचे दाई तरफ बढ़ते हुए फॉन्ट में अंकों वाला नंबर पैनल में लिखा हुआ मिलता है, तो वही महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट, अशोक स्तंभ और उसके बिल्कुल ऊपर काले गोले में अंकित 500 को थोड़ा उभरा हुआ रखा हो जाता है ताकि उसे देख न पाने वाले लोग इसे छू कर पहचान कर पाए कि ये नोट कितने का है। अगर इसी क्रम में हम बात करें डिजिटल मुद्रा के, तो सरकार बहुत जल्द ही कुछ ऐसा करने जा रही है ताकि जिस तरह से आपको असली नोट हाथों में मिलते हैं वैसे ही डिजिटल नोट आपके अकाउंट या फोन पर मिल सके। हालांकि UPI जैसी आधुनिक लेन देन की तकनीक भी डिजिटल मुद्रा का एक रूप मानी जाती है। वैसे आपको हमारी इस खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमारे साथ साझा करें। फिलहाल सरकार इस ओर लगातार प्रयास कर रही है ताकि किसी भी हाल में देश के बाजारों में फैला नकली नोटों का जखीरा खत्म किया जा सके। इतना ही नहीं, सरकार ने अब डिजिटल मुद्रा पर भी जोर देना शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में इस तरह का फ्रॉड ना किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN News।